आचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में बहुत सारी चीजें सीख के रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन सी चीज कैसे काम आएगी। जीवन में गुण होता है मैनेजमेंट का, जिसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग, यानी फैसले लेने की ताकत होना। ये चीज हमेशा अपन को सीख के रखना चाहिए, क्योंकि यही चीज आपके जीवन के लिए प्रत्येक क्षण एक नया पल लेके जाएगी। एक सही निर्णय आपके जीवन को बहुत आगे ले जाता है और एक गलत निर्णय आपके जीवन को बहुत पीछे ले जाके खड़ा कर देता है। मेरा तो मानना है कि जीवन एक शतरंज का खेल है। जो गोटी आपने आगे बढ़ा दी वो बढ़ गई है, अब उसको संभालना कैसे है, समझना कैसे है, कठिन हो जाएगा। इसलिए निर्णय जो भी लें जीवन का बहुत सोच समझ के लें। कई बार अच्छे निर्णय ना लेने के कारण भी आप लोग पीछे रह जाते हैं। लाइफ आपको हर टाइम अपॉर्चुनिटीज नहीं देगी, हर बार हर समय नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। कई बार अपॉर्चुनिटीज पकड़ना भी चाहिए और मिल रही है तो समझना भी चाहिए। लोग छोड़ देते हैं अपॉर्चुनिटीज को और बाद में पछताना पड़ता है। आज की नीति कह रही है कि आपके द्वारा लिया गया फैसला, आपके द्वारा लिया गया आज का फैसला ही भविष्य में आपके लिए अच्छा बुरा वक्त लेकर के आता है। जो फैसला आप आज ले रहे हो वो अच्छा बुरा वक्त लेकर के वही फैसला लेकर के आएगा। या तो अगर फैसला लेने की ताकत ना हो तो उससे पूछें, उससे लें जो फैसला लेने की ताकत रखता हो। गलत व्यक्ति से सही फैसला ना लें। अपने जीवन के फैसले खुद भी लेना सीखें। नहीं बनता हो तो जिनको फैसले लेते बनता हो उनसे पूछे, उनसे फैसले लें। लेकिन आपको अगर अपना भविष्य कल का अच्छा चाहिए तो आपको आज का फैसला अच्छा करना पड़ेगा मजबूती से। और आपका फैसला सही हो तो घबराए ना, प्रारंभ में विरोध जरूर होगा। हर एक अच्छे फैसले का प्रारंभ में विरोध होता है, बीच में उसका मजाक उड़ता है और अंत में उसका समर्थन करता है। दुनिया का हर व्यक्ति उसका समर्थन करते मिलता है। तो फैसला अच्छे से ले, अच्छे फैसले ही आपको बड़ी जीत दिलाता है। अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं तो जो टॉस होता है वो पूरे मैच का डिसाइडर होता है। फिर टॉस होने के बाद कैप्टन का काम है कि किसको बॉलिंग कराना किसको नहीं कराना। एक ओवर गलत चला जाए पूरा मैच गलत हो जाता है। एक व्यक्ति अगर गलत मैच में एक निर्णय ले रहे तो पूरा मैच ही उल्टा हो जाता है। तो स्टार्टिंग तो टॉस से ही होती है। अब आपने ग्राउंड में फास्ट पिच है और बॉलर खिला रहे हो आप स्पिनर, तो निर्णय गलत हो गया, मैच आप हार जाओगे। ये तो एक दिन का मैच है, जिंदगी के मैच भी ऐसे हारते हैं। कैसे हार जाते हैं जिंदगी के मैच, कैसे हार जाते हैं? एक गलत फैसला। फैसला लें, सोच समझ के लें, आज के दिन से खुद को अच्छे फैसलों से जोड़ें। अगर आप चाहते हो कि कल का वक्त अच्छा आए, हमारा आने वाला कल एकदम लोगों के लिए शिक्षा देकर के जाए, लोगों के लिए एक लैंडमार्क बनकर के जाए, तो उसके लिए आज से अच्छे फैसले लेना प्रारंभ करें। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में डिसीजन मेकिंग की पावर वाले लोग हैं। अगर आप डिसीजन मेकिंग की पावर रखते हैं तो आप मैनेजमेंट की टीम में नहीं विश्व के हर लेवल पर टॉप पर है। कुछ साल पुरानी बात है, कोलगेट कंपनी के रिसेशन आया और उनकी सेल हाफ की हाफ की हाफ हो गई। बहुत बड़ी मीटिंग हुई, बड़े बड़े अधिकारी बैठे, ऑफिसर्स बैठे उनके आगे हाई क्लास रेंज के, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। कोई कह रहा था कि एक अपन 50% फ्री दें, बोले कर चुके हैं, बोले एक ब्रश फ्री दें वो भी कर चुके हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो एक लड़का जो ऑफिसर के साथ फाइल लेकर के आया था, कहते सर मैं कुछ बोलूं? बोले बेटा इतने बड़े बड़े लोग बैठे तुम शांत रहो। बोले नहीं सर मेरे को भी बोलने का मौका दिया जाए, एक बार सुनिए। तो एक सर बोलते अगर तेरा आइडिया जम गया जितनी सेल होगी
जो प्रॉफिट होगा उसका 1% प्रॉफिट तुझे भी दिया जाएगा। बोले सर अगर अपन एक ब्रश फ्री दें, बोले बेटा ये हो चुका है। बोले सर मेरी बात सुनिए, बोले अपन ब्रश फ्री दें और उस ब्रश के जो हेयर्स होते हैं वो बड़े दें और जो टूथपेस्ट होता है उसका जहां से पेस्ट बाहर आता है उसको बड़ा कर दें। हर व्यक्ति उतना ही पेस्ट लेता है जितना ब्रश होते हेयर्स होते हैं, तो ज्यादा पब्लिक में कंज्यूम होगा और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जो कस्टमर्स अपने वो तो अपने हैं, तो उनको लगा कि करके देखना चाहिए, उन्होंने वैसे ही किया और कंपनी की सेल वापस उसी पोजीशन पर पहुंच गई जहां पहुंचना चाहिए थी। उस लड़के ने 3 महीने में 3.5-4 करोड़ रुपए का इंसेंटिव लिया था आज से 15 साल पहले, सिर्फ और सिर्फ एक फैसले के कारण। इसलिए मैनेजमेंट का, प्रबंधन का एक बहुत बड़ा अंग होता है जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। इसको मजबूत करें, निर्णय लेने की क्षमता को जागृत करें। अगर आप निर्णय लेने की क्षमता जागृत नहीं कर पाए तो आपके हाथ से आई हुई चीजें भी चली जाएंगी। कई बार शांत होने का निर्णय लें, कई बार आक्रामक होने का निर्णय लें, कई बार रक्षात्मक निर्णय लें। शेर देखा होगा आप लोगों ने जंगल में, शेर बहुत शक्तिशाली होता है, वो हाथी को भी मारने की ताकत रखता है, लेकिन वो शेर भी 24 घंटे आक्रामक नहीं होता, कई बार वो रक्षात्मक भी होता है। तो अपने जीवन में फैसले लें तो रक्षात्मक भी लें, आक्रामक भी लें। कुछ फैसले ऐसे भी हों जो सबके लिए उपयोगी हों, कुछ फैसले ऐसे लें जो अपने लिए उपयोगी हों, लेकिन फैसले जरूर लें। जितनी जल्दी आप निर्णय लेंगे उतनी जल्दी चीजें आपको मिलेंगी। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है हर कोई इन्वेस्ट करना चालू कर देता है और ऊपर से वो सीधा नीचे आता है, घर गाड़ी बंगला पैसा सेविंग सब चला जाता है। जब मार्केट नीचे आता है तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ये बात समझने की है, मार्केट जब नीचे आता है लो टच कर देता है तब इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है, और समझदार व्यक्ति लोएस्ट में टच करता है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग की बात है, ये पैसा भी देती है, इज्जत भी देती है, पद भी देती है, सब कुछ देती है। छोटे छोटे निर्णय लेते जाएं और एक दिन उन निर्णयों पर पक्के रहें, आपको बड़ा पद जरूर मिलेगा। केवल आज को ही देख करके ना जिए, कल को भी देख करके जिए। यहां हम पनकोटा में है, लोग कहते हैं ना कि वो माता पिता का प्रेशर है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, पढ़ाई का प्रेशर है, बस ये नहीं है, वो गलत हरकतों में फंस जाते हैं उससे भी वो आत्महत्या करते। कुछ दिन पहला केस है कि एक लड़की का एक लड़के के साथ कुछ अफेयर हो गया, उसने वीडियोस बना ली और उसने सारे ग्रुप्स में सर्कल कर दी। अब सारे ग्रुप्स में सर्कल होने के बाद उसके ऊपर ये प्रेशर था कि जैसा तुमने उसके साथ जिंदगी जी है ऐसा हर दिन हमारे साथ भी जियो वरना तुमको वायरल कर देंगे। उस लड़की ने फांसी लगा ली, लिख के क्या गई कि पढ़ाई का बहुत प्रेशर था। समझें, चीजों को समझें, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। कॉर्पोरेट सेक्टर कहता है थिंक इनसाइड द बॉक्स, आध्यात्मिक क्षेत्र कहता है थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कि आपका एक छोटा सा गलत निर्णय आपके जीवन के लिए कहीं गलत ना हावी ना हो जाए, आपकी सभी चीजों को जो आपने प्राप्त किया है खत्म ना कर दे। फैसले बहुत सोच समझ के लें। सबसे पहला फैसला किसका? पढ़ाई का। फिर उसके बाद फैसला नौकरी ना करने का, फिर फैसला माता पिता के साथ रहने का, फिर हो फैसला शादी करने का कि नहीं करने का। ये सारे फैसले आपके लिए हो। और एक बात, इसके आगे चलना, अगर कोई फैसला आपको कोई गलत चीज देकर के जा रहा है तो घबराए ना। फैसला किसने लिया था? हमने। परिस्थिति कौन झेलेगा? हम ही। उनसे बाहर कौन निकलेगा? हम ही। एक ही फैसला गलत हुआ है ना, जिंदगी तो गलत नहीं हुई। मेरा ये मानना है कि अगर कोई गलत निर्णय हो जाता है तो उस गलत निर्णय को सही करने की जगह ऐसे अनेकों सही काम कर ले कि वो गलत जो फैसला हो चुका है वो गलत ना लगे। अगर आपकी डायरी है और डायरी में अगर एक पन्ना गलत लिख चुका है तो उस पन्ने को फाड़ कर फेंकना चाहिए, पूरी डायरी नहीं थी, ये सीखना चाहिए। और जीवन का एक फैसला ले लें, सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा करके जिंदगी जीना है।
जो भी चीजें आएंगी मुस्कुरा कर कीजिए। धूप आएगी तो मुस्कुरा कर, बरसात आएगी तो मुस्कुरा कर, ठंडी आएगी तो मुस्कुरा कर। अगर मुस्कुरा करके जीते रहे तो चीजें सरल हो जाएंगी, और आप दुखी होकर जीते रहे तो चीजें कठिन हो जाएंगी। फैसले ले आज से, अभी से जीवन के फैसले ले, अच्छे फैसले ले। अगर आपको लग रहा है कि आप गलत फैसला ले चुके हो और कोई आपको सही सलाह दे रहा है, उस फैसले को बदले भी, बीच में भी फैसला बदले। फैसले को बीच में ही बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं? क्योंकि हमें तो लाइफ अच्छी करना है। इसलिए आज के दिन से खुद को अच्छे फैसलों से जोड़ें, आने वाला कल आपका बहुत अच्छा होगा। कल अच्छा करना हो आज को अच्छा करें, आज के फैसले को अच्छा करें। मुझे लगता है कि मेरा साधु बनने का फैसला बहुत अच्छा था, क्योंकि जब लोग आते हैं ना, जिनकी शादी नहीं हुई इनको शादी करना है, जिनकी हो गई है वो पत्नी से परेशान है, पति से परेशान है, अथवा बच्चे हो गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, नाम रखना है, अच्छी स्कूल में एडमिशन लेना, उसके करियर का क्या होगा, अब एक और घर बनाना है, फिर मैं सोचता हूं कि मेरा निर्णय बहुत अच्छा था, कि मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। दूसरे के दुखों को देख करके, उनके गलत निर्णय को देख करके भी सीखना चाहिए। ये बहुत बड़ी आपको एक सोचने की शक्ति दे रहा हूं। इसलिए कह रहे हैं कि हर फैसला सोच समझ कर लें। आपका हर फैसला आपके कल को बनाता है, कल को बचाता है, आज को निखारता है। फैसले सोच समझ के लें। नहीं बनते हो फैसले लेते तो उनसे ले लें जिनसे बनते हो, लेकिन फैसले सोच समझ के लें। एक सही फैसला आपको बहुत ऊंचाइयां दे सकता है, एक गलत फैसला आपको नीचाइयां दे सकता है। लूडो खेला हो आप लोगों ने? लूडो सबसे पहले गोटियां बाहर निकाली जाती है, एक ही गोटी को नहीं खेला जाता। खेलते रहो एक गोटी को बाहर निकालते रहो, फिर सेव करते रहो, सेविंग्स भी करते रहो और फाइटिंग्स भी करते रहो। लाइफ में ऐसे निर्णय लेना तो ऊंचाइयां जरूर मिलेंगी। अपने जीवन में निर्णय लेना, फॉलोअर कम क्रिएटर ज्यादा बनना। फॉलोअर्स बनोगे तो दुनिया की दौड़ में हो, क्रिएटर बनोगे तो दुनिया आपकी दौड़ में रहेगी, ऐसा समझना। फिर और कभी देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की।